यूनिवर्सिटी कैंपस में हवन पूजा करने की इजाजत होती है, या कोई अगर धार्मिक आयोजन कोई करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? क्या जेएनयू में ये इजाजत है? मैडम, पिछले 20 साल से 20 साल से ऐसे धार्मिक प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्राम लिए परमिशन है और मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ इको कर रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलती हूँ, भाई इको कर रही है आवाज़, उसको ठीक करें आप। शांति श्री जी की जी बोलिए मैम। इको कर रही है। हाँ, मैंने बोला मैम, ठीक करा रहे हैं आप, बोलिए मैम। सो इसीलिए पिछले 20 साल से धार्मिक कार्यक्रम को यहाँ परमिशन है। यहाँ इफ्तार पार्टी भी चल रही थी और रामनवमी की हवन भी चल रही थी और 7 बजे दोनों शांतिपूर्वक समाप्त हो गई थी और उसके बाद इस विवाद और इस कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो मैम किसकी गलती है, क्योंकि आप वाइस चांसलर हैं, आपने जरूर इंटरनल जांच की होगी। छात्र तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जेएनयू की दिक्कत यह है कि वो वाम दल और एबीवीपी में बट कर रह गया है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूं कि आपकी फाइंडिंग्स में गलती किसकी निकल कर सामने आ रही है? मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन मेस नहीं चलाती है। हम बहुत डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी हैं, मेस स्टूडेंट्स चलाते हैं, छात्रों चलाते हैं और 17 हॉस्टल से एक हॉस्टल में ही प्रॉब्लम हुआ, दूसरा सब हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम अभी एक प्रॉक्टरल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किए हैं और इस इंक्वायरी के माध्यम से हमें मालूम पड़ेगा। मुझे भी, मैं उस रात जब 11 बजे हॉस्टल पे गई, मुझे कुछ उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत शांतिपूर्वक दोनों साइड्स ने प्रोटेस्ट भी किए थे और अब मैं स्टूडेंट से भी मिल चुका हूँ, बट मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ रही है। सो इसीलिए हम प्रॉक्टरल इंक्वायरी के दिए हैं। सो उसके बाद प्रॉक्टरल इंक्वायरी के बाद मैं आपको बता सकती हूँ जोशी कौन है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।